हेलो गाइस दिस इज तन्वी पहजा वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज ठीक है तो क्योंकि हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देख रहे थे एक फेज़ था इंडिया में जो लीडरलेसनेस का फेज़ था तो उसमें किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई लास्ट लेक्चर में हमने कई सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को पढ़ा है आज एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है उसको डीपली हम देखने वाले हैं तो क्या है द गदर अब आज ये देखेंगे कि ये गदर है क्या कैसे वो एक मूवमेंट का रूल रहती है एक पार्टी बनती है और वो मूवमेंट का रूप लेती है और एक म्यूटीनी होती है तो बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो गदर पार्टी है इसको बनाया जाता है नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा में ठीक तो इससे पहले कैसे बनी ये पार्टी कुछ लीडर्स रहते हैं लीडर्स के नाम बिल्कुल ध्यान रखने हैं हमको रामदास पुरी जी डी कुमार तारकनाथ दास सोहन सिंह बाखना और लाला हरदयाल ये प्री गदर का फेज रहता है जब अभी गदर पार्टी ऑफिशियली बनी नहीं है ये लोग क्या करते हैं एक 1911 में एक यूनाइटेड इंडिया हाउस का फॉर्मेशन करते हैं ये जो पार्टी है ये बनती है नॉर्थ अमेरिका में उसके अलावा एक और पार्टी हमें देखने को मिलती है कैनेडा नाम की जगह पर स्वदेश सेवक होम तो दो अलग अलग पार्टियां बनती हैं जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिव एक्टिविस्ट रहते हैं इनके लीडर्स तो ब्रिटिशर्स को कही कहीं ना कहीं डर रहता है यहाँ पर भी कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं ठीक है थीके? तो लेटर ऑन एक ऐसा फेज़ आता है जब कैनेडा में जो कि खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी है वहाँ पर से रिवोल्यूशनरीज को बगाया जाता है तो 1913 में जब ऐसा इंसिडेंट होता है फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन हमें सामने देखने को मिलती है जिसका हेड क्वार्टर होता है सेंट फ्रांसिस्को, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है ठीक है कैनेडा से भगाया तो इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में आके सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पर एक गदर की पार्टी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया ठीक है अब ये गदर नाम कहाँ से आया इनके पास तो गदर एक फेमस वीकली न्यूज़पेपर था जो अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था लाइक गुरुमुखी हिंदी उर्दू ठीक तो यहाँ से इन्होंने इस गदर का नाम लिया फाउंडर जो थे इस पार्टी के वो थे लाला हरदयाल ठीक तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से ये पार्टी फॉर्म हुई अब इस पार्टी ने क्या काम किए क्या प्रोग्राम्स थे उनके क्या वो सोच रहे थे इस पार्टी के साथ सबसे पहले असेसिनेशन ऑफ ऑफिशियल क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी थे तो ये चाहते थे कि जो ऑफिशियल्स हैं वो असेसिनेट किए जाएं उसके बाद पब्लिश करते थे वो रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़ को ऐसा लिटरेचर को पब्लिश करते थे जो कि एंटी इंपीरियलिस्ट होता था नेचर में ठीक है वर्क अमंग इंडियन ट्रूप स्टेशन अबोर्ड जो भी इंडियन ट्रूप्स अलग अलग जगह पर लाइक नॉर्थ अमेरिका कैनेडा फ्रांस जर्मनी यहाँ पर स्टेशन है उनके साथ मिलकर हम काम करें तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी वो अब्रॉड हो रही थी प्रोक्योर आर्म्स आर्म्स रखने लग गए ही अपने पास ठीक है और इनका इंटेंशन जो था जो मेन आइडिया था इनका रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के पीछे दैट वॉज टू ब्रिंक अ रिवॉल्ट इन इंडिया ठीक है दे वॉन्टेड अ रिवॉल्ट इन इंडिया अगेंस्ट दिस

कि हर रिवॉल्ट में या हर मूवमेंट uh, में हम लीडर्स देख रहे हैं तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दिस लीडर वाज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट तो ये लीडर्स को अच्छे से पढ़ना है उसके बाद एक सिग्निफिकेंस देखने को मिला है गदर मूवमेंट का इट वाज सेक्युलर इट वाज सेक्युलर इन नेचर उसमें जो लीडरशिप थी दैट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन ऑल द सेक्शन ऑफ इंडिया वॉज इंक्लूडेड ठीक है तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया उसके बाद क्या इवेंट्स हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं दो कोमगता मारू का इवेंट होता है उसके बाद होता है आउटब्रेक और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो क्या है ये कोमगता मारू का इंसिडेंट कोमगता मारू एक शिप थी एक जैपनीज शिप थी उसका नाम था कोमगाता मारू ठीक है तो जैपेज शिप को एक रिच मर्चेंट रहता है वो ऑनरशिप लेकर 370 अराउंड पैसे, पैसेंजर्स को बिठा के डिपोर्ट करता है कहाँ से नेपाल जापान से कहाँ की तरफ कैनेडा की तरफ तो ये शिप जब कैनेडा पहुँच जाती है क्योंकि कैनेडा एक ब्रिटिश कॉलोनी है ठीक तो है तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो रोक लगा देते हैं कि ये जो इंडियंस बैठ के आए हैं इसमें वो नहीं उतरेंगे मतलब वो जो हार्बर रहता है वहीं पर खड़ा कर देते हैं शिप को बोलते हैं कि हम इनको लैंड नहीं करेंगे कैनेडा की टेरिटरी में ठीक ऐसा क्यों करते हैं वो क्योंकि उनको सस्पेक्ट रहता है उनको सस्पेशन रहता है कि ये जो लीडर्स हैं ये नेशनलिस्ट लीडर्स हैं और ये कैनेडा में रहकर कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं तो वो मना कर देते हैं अराउंड टू मंथ्स के टाइम तक वो लोग शिप में ही बैठे रहते हैं विथ नो सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर ठीक है तो भूखे प्यासे वो उस शिप में बैठे रहते हैं फिर दो महीने के बाद समझ लो 1940 में एक इवेंट होता है आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट होता है 18 तक चलता है तो जब वर्ल्ड वॉर चालू होता है तो ब्रिटेन वॉर ठीक है पार्टनर मतलब ब्रिटेन भी था वर्ल्ड वॉर में उसको शिप्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो अनाउंस करता है कि जितनी भी इंडियन शिप्स हो ये ऐसी शिप्स जिसमें इंडियन की ऑनरशिप है या इंडियंस हैं उसको इंडिया की तरफ चाहिए हमें उनको नीड होती है शिप की तो वो जो कैनेडा में इतने लंबे समय से स्टेशनड जो शिप थी उसको इंडिया लाया जाता है तो लोग और भड़क जाते हैं कि हम कैनेडा के लिए निकले थे वहाँ उतरने नहीं दिया और अब इंडिया भेज दिया इंडिया में जैसे ही वो मद्रास में लैंड करते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ट्रेन में बैठिए और पंजाब जाइए मतलब फ़ोर्स किया जाता है कि आप पंजाब ही जाइए तो वहाँ पुलिस और जो लोग रहते हैं उनके बीच में टसल स्टार्ट हो जाता है और इस बीच ट्वेंटी टू पीपल वॉज किल्ड ठीक है तो ये ट्वेंटी टू का जो किल किलिंग होती है इसके बाद जो गदराइट्स रहते हैं मतलब गदर मूवमेंट के लीडर्स रहते हैं दे गेट इन्फ्यूरिएटेड बहुत गुस्सा आता है उन्हें और ये डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ द टाइम टू टेक ऑन द ब्रिटिश अब हमें एक म्यूटिनी स्टार्ट करनी है तो ऑफिशियली गदर म्यूटिनी को स्टार्ट किया गया 21, 19, में अब गदर ने क्या किया वो फाइटर्स जो स्टेशन थे अब्रॉड में ठीक है उनको आ, लीडर्स जो है अर्ज करते हैं कि आप इंडिया जाइए और म्यूटिनी स्टार्ट कीजिए करतार सिंह और रघुबर दयाल गुप्ता ये जो है ये इंडिया की तरफ बढ़ते हैं लेकिन क्योंकि सस्पेक्ट पहले ही होता है इसका सस्पिशन पहले ही मिल जाता है ब्रिटिशर्स को तो जो मेजर लीडर्स रहते हैं वो उनको आने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल जो है वो इस मूवमेंट को लेड करते हैं ठीक है जब हम पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि राज बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल आर एसोसिएटेड विद गदर म्यूटिनी तो इस तरीके से जुड़े हैं ये दोनों गदर म्यूटिनी से ठीक है जो मेजर लीडर्स रहते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो 1915 में पास करते हैं तो यहाँ इस देखिए आपकी म्यूटिनी स्टार्ट होने से पहले ही लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और किस तरीके से म्यूटिनी को जो है वो फिजल आउट कर दिया रोक दिया पहले ही बढ़ने से पहले रोक लगा दी तो क्या असेसमेंट रही है हमारी कि किस क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स निकल के आते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इस मूवमेंट के या इस म्यूटनी के तो पॉजिटिव रहते हैं तो एक तो आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है इनकी जो बोला है वो करके दिखाया है इन लोगों ने उसके बाद सेक्युलर अप्रोच रहती है देखा हमने कि कोई भी रिलीजन जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है इस, इसके अंदर कुछ नेगेटिव्स भी रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है उसके बाद लीडरशिप ही नहीं रहती अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक सस्टेन लीडर नहीं रहता उसमें फिनेंसिस बहुत कम रहते हैं इन लीडर्स के पास और ना ही कोई टैक्टिकल स्ट्रेटजी होती है तो इस तरीके से फेल हो जाता है क्या गदर म्यूटिनी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही दिमाग लगा के सप्रेस कर लिया था इस मूवमेंट को ठीक है तो यहाँ हमारी खत्म होती है रिवॉल्यूशनरीज़ एक्टिविटीज ऑफ फेज वन इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा है जो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है मैंने अभी बताया 14 से 19 तक ठीक है तो इसमें नेशनलिस्ट जो इंडिया में नेशनल लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या रिस्पांस रहता है कि हमें इसमें साथ देना है नहीं देना है तो नेशनलिस्ट सबसे पहले नेशनलिस्ट है मॉडरेट्स तो मॉडरेट्स क्या है इनको सपोर्ट करते हैं सोचते हैं इतने समय तक ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे हैं नाउ इट इज़ द टाइम कि वी शुड सपोर्ट डेम तो ये सपोर्ट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट सोचते हैं कि हो सकता है हमारे सपोर्ट में ये हमें कुछ दें हमारा साथ दे आगे हमें रिटर्न में जो हम स्वराज की डिमांड कर रहे हैं वो हमें मिले तो इस बिलीफ में वो उन्हें सपोर्ट करते हैं लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज रहते हैं ठीक है यंग ब्लड है इस टाइम पर दे डिसाइडेड कि हम यूटिलाइज करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को ठीक है ये जो उनकी जो उनकी जो तकलीफ़ है या उस समय उनकी जो ज़रूरत है इसका हम अप, अप, अपनी अपॉर्चुनिटी समझकर इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही कहीं ना कहीं होम रूल लीग मूवमेंट भी जुड़ा हुआ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया लेकिन हमें इसके आउटबैक में क्या मिलता है सिर्फ मिसरीज सिर्फ दुख और सिर्फ इकोनॉमिकली हम लोग हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम होम रूल लीक को डीपली देखने वाले हैं फॉर दैट स्टे कनेक्टेड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो थैंक यू